इवनिंग या गुड इवनिंग। निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है, वीकली में वीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जरूर कहाँ तो रहेगा थोड़ा, लेकिन मंथली में आरएसआई से ऊपर रहने की वजह से ये स्टॉक आरएसआई मंथली का आरएसआई ऊपर है, एमएचडी ऊपर है, मतलब शॉर्ट सेल पोजिशनल शॉर्ट सेल तो नहीं हो सकता अभी तो, फिलहाल तो बाय में है। यहाँ पे सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज देता है, आरएसआई नीचे जाता है तो शॉर्ट सेल इंट्राडे हो जाएगा, पोजिशनल शॉर्ट सेल थोड़ा रिस्की रहेगा। अभी पोजिशनल शॉर्ट सेल में नहीं जाना चाहिए। अभी हम ये निफ्टी ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है दिखती है, ये जब तक E6 के नीचे क्लोज नहीं देती है या आर एस नीचे नहीं आता है, तब तक दोनों भी आना चाहिए तो ही मार्केट वीक हो जाएगा, नहीं तो अभी तक ऊपर है, बाई में रहेगी, नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मंथली में बुलिश है, जो जो स्टॉक्स बुलिश है, जितने भी स्टॉक्स बुलिश है मंथली के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से, मंथली के सपोर्ट पे है, ऐसे स्टॉक्स कोई भी मंथली के सपोर्ट पे है, यहाँ पे बाइंग मिल रही है तो हमें बाय में रहना चाहिए। ये मंथली के हिसाब से सपोर्ट पे है, मंथली बुलिश है, और ऐसा वाइज यहाँ पे बाय मिल रहा है तो बाइंग लेना चाहिए, वही स्ट्रेटेजी चलती रहेगी जब तक निफ्टी ऊपर है। तो अभी अच्छे कौन से स्टॉक्स हैं, तो अभी तक हम देखते हैं निफ्टी सपोर्ट 25 मिनट शॉर्ट से मेरे ख्याल से रिस्की रहेगा। निफ्टी सपोर्ट है 9570, 9570 इट इज रिस्की टू शॉर्ट निफ्टी पोजिशनल जी, क्योंकि मंथली का आरएसए ऊपर रहने की वजह से और स्ट्रांग रहने की वजह से निफ्टी में हम शॉर्ट सेल पोजिशनल भी नहीं कर सकते, इंट्राडे हो सकते हैं लेकिन पोजिशनल भी नहीं हो सकते हैं। तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स में मंथली का आरएसए ऊपर है, तो ऐसे सब स्टॉक्स जो है वो मेरे ख्याल से बाय में ही रहना अच्छा रहेगा। खाली मंथली का आरएसए नीचे रहेगा वो स्टॉक्स थोड़ा नीचे जा सकता है, बाकी मंथली के आर एस आई जिसमें जिसमें ऊपर है वैसे स्टॉक हम बाय के लिए ले सकते हैं। ये देखो ये है कंटेनर कॉरपोरेशन, क्वार्टरली मंथली के हिसाब से बाय में रहने वाले स्टॉक्स, डीवी स्लैब भी अपना टारगेट कंप्लीट करेगा 740 का। मंथली में ले रहा हूँ, मंथली के सपोर्ट पे आने वाले स्टॉक्स, वीकली में वीक रहेगा तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा जरूर, लेकिन मंथली के शॉर्ट एवरेज के पास है तो ये शॉर्ट सेल दूसरे बाय कर सकते हैं, कैरी कर सकना है या नहीं वो वीकली के हिसाब से बताएंगे। वीकली में क्लोज आ जाता है तो आगे चल के कैरी भी हो सकता है। तो ये ऐसे जो स्टॉक्स मंथली के हिसाब से बुलिश है, क्वार्टरली के हिसाब से बुलिश है, क्वार्टरली और मंथली के हिसाब से बुलिश है, ट्रेडिंग नियर टू शॉर्ट एवरेज ऑफ मंथली चार्ट एंड इन H3 चार्ट यू आर गेटिंग अ बाय, देन यू कैन बाय सिग्निफिकेंट लो एज अ स्टॉप लॉस। तो हमें ये देखना है कि क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो हम शॉर्ट सेल नहीं हो सकता, पोजिशनल शॉर्ट सेल नहीं हो सकता, ये तो देखा है। क्या हो सकता है अभी कंडीशंस में, क्वार्टरली प्लस मंथली बुल रहेगा वैसे स्टॉक्स मंथली के शॉर्ट एवरेज पीक के बाद आने के बाद, शॉर्ट एवरेज के पास आने के बाद यू टू चेक फॉर इट प्राइस, यू टू चेक H3 चार्ट, H3 गिव्स बाय
देन यू कैन बाय द स्टॉक. Now go to weekly chart. Now see weekly chart. After seeing all these things, if it is completely bull, if weekly is also bull, weekly bull with RSI, then it is momentum buy. And if it is momentum buy, and if weekly is weak, then we have to check W pattern. In weekly chart to gain momentum. If it is not there, then stock will move slowly. Now here is the case whether you have to check the W pattern or not. You have to check the RSI. There is no proper W pattern. If you check S bank, it has turned. S bank. This is a W pattern is formed and going up. So this way it should be this way. It should go down, then come up, then going down. So it should be like this. So you see in Engineer India, there is a slightly W pattern is forming here. If you observe, this is gone down, gone up, this is there and going up. So this W pattern is there, you can buy this stock. So but when this RSI goes up, then it will be momentum will be carried very nicely. So we have to take this opportunity over here. SBI is also a good one. Check SBI. The same thing is there. But W pattern is not yet formed. तो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ही मेरे कल से स्टॉक पर जाएगा जल्दी. तो ये आरएसआई में डब्ल्यू पैटर्न देखना पड़ता है. वीकली के वीकली में वीक रहेगा तो आरएसआई में डब्ल्यू पैटर्न होना जरूरी है, जिसमें दिखता रहेगा उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर का ट्रेड कर सकते हैं. नहीं तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेगा. तो इंट्राडे पोजीशन मतलब फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड नहीं हो सकता. ये टेरवेट्स इज गुड वन बाय. वी हैव डिसाइडेड जेटवेल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू टू बाय. सो आपको ये देखना है अभी रिलायंस डिफेंस. ये भी W पैटर्न तैयार कर रहे हैं वीकली में. क्वार्टरली में वो बुल नहीं है, W पैटर्न हो रहा है. क्वार्टरली में बुल रहने वाला तो अच्छा रहता है. मेरे ख्याल से ये स्टॉक से निकल जाना चाहिए. कावेरी सेट से थोड़ा नीचे आएगा, ये उल्टा हो गया है. डब्ल्यू पैटर्न वीकली में बन रहा है, वैसे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं. ये वाला अच्छा है एक स्टॉक.
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जेट एयरवेज अच्छा भाई के लिए है। जेट एयरवेज अच्छे भाई के लिए है। आप पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर, हाँ बोलो। सर ये जेट एयरवे जो आपने बोला है ये आप कितने पे बाय कर सकते हैं अभी? अरे यार गया, थोड़े 2 मिनट देखते हैं। हाँ आराम से आराम से। अच्छा जेट एयरवेज आपको 570 में मिल जाएगा, 575 में मिलता है तो भी ले लो। ओके सर ओके। हेलो, जेट वेर अच्छा है, 700 का टारगेट रख सकते हो। हेलो, ओके सर थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ बोलो। हाँ शांति शांति गियर। 1 मिनट, शांति ग्यारह। हाँ गुड, बाय कर सकते हो। नहीं हेलो, अभी भी कर सकते हैं। आई वी हैव लाइक होल्ड डिलीवरी, सो हाँ यू कैन होल्ड दिस। वी शुड नॉट, वी कैन होल्ड इट टिल या या 3 क्वार्टर हाई ऑफ 178। 178 या समथिंग लाइक दैट, यू कैन होल्ड टिल क्वार्टर एंड, हाँ बिकॉज़ इफ बिकॉज़ यू गुड मंथली ना, टारगेट हैज कंप्लीटेड। मंथली इफ टारगेट यू इज गुड एंड कंप्लीटेड मंथली बट यू कैन गो टारगेट स्टिल अप। ओके, सो आई शुड स्टिल होल्ड राइट? या Because see, daily RSI has started, weekly is good, but daily RSI has started doing some, see daily RSI. no, this is daily RSI, no, daily RSI is going spike, is there 142, it can come, Okay, but you can 142 enter it can again. come. Yeah, Okay, but otherwise I can hold it, right? yeah. Okay. So done looks to that. What? Dhan Lakshmi Bank. Which one? Dhan Lakshmi Bank. DHAN. Dhan Lakshmi Bank. Dhan Lakshmi Bank. Dhan Lakshmi Bank. ये वाला? Yes, yes, sir. It is bullish. It can reach. It is a buy. At current price, sir? हाँ यू कैन बाय दिस, व्हाट विल बी द टाइम? इट विल बी 45, कैन गो रीच सडनली। ओके, अच्छा कोटक बैंक, यू कैन बाय हियर, there is no short sell position, but price, let it to come down, 920 will be the best okay. buy. 920. Yeah. And sir, I am having LT and IndusInd Bank. Can you tell me? Okay. LT and IndusInd Bank. Okay, 1 minute. There is no opportunity to short sell in LT. Only okay. buy and IndusInd Bank. IndusInd, yes sir. IndusInd Bank can remain sideways little bit, but it is bullish. Okay. Okay, sir. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Hello. Property is, I think, proper one is Jet Airways. Proper trade. Check Jet Air is a proper one. Okay, sir. Sir, for sir, your view on Godfrey Phillips is also proper one. Or grid. PTC. Proper one is power grid also.
Actually, there is no short sale opportunity, but only that market can come down and then you can buy. So that is the only thing we can do. Okay. Focus. Okay, I'm continue. I'll take time. Any question from your end, please? No, sir. Thank you, okay. Sir. Arvind. See. It will come to 370, 380 again, and will come down. But we without edge, we don't short sell. Without stop loss, you don't short sell. Because see, monthly only two, three stocks are there that are showing you weakness. And most of the stocks are what? They are showing you weakness in weekly chart, but at the same time, monthly and quarterly, they are bull, most of the stocks. So it is not giving opportunity to positional short sell. So only Arvind and other stock, SRF, is only the two stocks are showing monthly weak. Others are monthly bull as compared to, or it may be oversold. Sale. Partly buy here and partly wait for some come down. If market corrects, then only the stock will fall. Otherwise, I don't think. MMTC. Nifty view. देखते हैं तो weekly में weak है, दिखता है. Higher side में resistance है. HT में E6 के नीचे क्लोज जाएगा तो ही शॉर्ट सेल हो जाएगा. पोजिशनल शॉर्ट सेल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मंथली का आरएस है, सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है, कम्प्लीटली सस्टेन है. MACD भी कम्प्लीटली सस्टेन है. तो उसको यहाँ तक आना रहेगा तो ये वीकली में वीक, सॉरी H3 में वीक बनने के बाद ही आ सकता है और वो इंट्राडे ही आ सकता है, पोजिशनली नहीं आ सकता. तो हमें वीकली में वीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बात है. ओके, सॉरी मंथली में वीक नहीं है तो इसलिए पोजिशनल शॉर्ट सेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते. इंट्राडे करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हमें दूसरा एक स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा कि वीकली में ओवरबॉट जरूर है, इसको यहाँ तक लाना. एक्चुअली करेक्शन बाकी रहेगा, जो यहाँ से ऊपर गया तो ये करेक्शन जरूर बाकी रहेगा. ये करेक्शन होना उतना ही इम्पोर्टेंट था. ठीक है, मतलब ये H3 में वीकनेस आता है तो ये करेक्शन कंप्लीट करने के लिए तैयार रहेगा. पहला मंथली के E6 तक आ जाएगा, पहला मंथली के E6 के बाद में वो स्टॉक क्वार्टरली E30 मतलब सॉरी वीकली E30 मतलब क्वार्टरली E6 आ जाएगा. लेकिन अभी तो करंट सिनेरियो में दिखता है मंथली में RSI कंप्लीटली बुल है और यहाँ पे हमें बाय दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में खुद जाके कुछ शॉर्ट सेल करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो बाय में रहना अच्छा रहेगा. तो ये ऐसा सिनेरियो है. हाँ, H3 में E6 के नीचे क्लोज देता है, H3 में E6 के नीचे क्लोज देता है और ये RSI नीचे जाता है तो इंट्राडे शॉर्ट सेल हो रहेगा, वापस स्टॉक नीचे आना चालू करेगा, ऐसे हो सकता है. ओके, ठीक है. आएगा ऊपर, मतलब एक्युमुलेट करना है ना अभी, राइट? सन फार्मा करने जैसा है, बट टिल मंथली ये 6 ओनली ना. 1 मिनट, मंथली 6 तक, You can buy Bata. What should be the target? Target will be... $593. इसके ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा जाएगा.
And what about CA tires and Apollo tires? CA tire. CA tire तो बोली CA है ना? Apollo tire. ये बोलिश है मंथली की टारगेट फॉर देम अपना टायर का टारगेट हाई जाएगा नया है बनाएगा सीएक 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 भी नया है बनाएगा बजाज फाइनेंस वन फोर थ्री जीरो पे रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे एक बार यहाँ से एक बार नीचे आना चालू करेगा लेकिन बाय में रहना चाहिए संतोष गॉडफ्री फिलिप्स विच वन गॉडफ्री फिलिप्स गॉडफ्री ये वाला ना सेम This one? Hello? हाँ सर हाँ हाँ या 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 कॉटर फिलिप्स सर राइट या दिस इज बाय बुलिश है ना सर या बुलिश है तो ये आज का जो एंड का जो टारगेट पकड़ा उसके लिए चलो 1300 समथिंग है सर या यहाँ पे ना ये इसके पास बाय है एक्चुअली मतलब क्या 1260 पे बाय है 1260 मेरा ओके सर थैंक यू Thank you, sir. Yes, sir. Adani Enterprises? Which one? Adani Enterprises. Adani Enterprises. अभी तो भाई चल रहा है स्टॉप लॉस लगेगा 125 का. India Cements? India Cement. Just one minute. शॉर्ट सेल नहीं है बाय ही कर सकते हैं टीवीएस मोटर ये भी बाय में ही है मार्केट तो मंथली का आ रहे से ऊपर रहने की वजह से ना बाइंग में जाएगा खाली नीचे में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय करना चाहिए बस ओके गुड नाइट नेस्ले 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 सॉरी नेस्ले Nestle, Nestle is good, na? This one good, good one. This is good buy. Any target for this? $7,400 you put under. Okay. Good night. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Good night. Any questions? Okay. Tata Global? Tata Global, 1 minute. This is in buy only. Only you have to buy at target for this? 145 you have to buy. At target will be quarter end, it can reach 165 above that. But only weekly RSI should come above signal line. That is the important part. Then momentum will gain. The stock will gain momentum then. Okay, good night. Good night, good night.